Vajrasi, now to now, I know it's our own film, maybe we should not be talking, but we are here and I'm sure a lot of people want to know also. अब जो हमने फिल्म बनाई 20 साल के बाद काम कर करके और ये वाली 7 या 8 साल के बाद हमने बनाई वीर ज़ारा की, द फिल्म इज जब तक है जान. Why did you decide to make this film? बीच में बहुत वक्फे ले लेते हो ना, टाइम ले लेते हो, 7-8 साल लेते हो, मुझे बीच में टेंशन हो जाता है कि मुझे निकाल तो नहीं दिया, कि मिस तो नहीं हो गया. सो अभी आपने बहुत सालों बाद एक बनाई है, तो ये वाली क्यों चूज़ की, कैसे की, क्या है इसमें, क्या कहना चाहते हैं, एंड व्हाई डिड यू थिंक दिस वाज द टाइम एंड दिस वाज द प्लेस एंड दिस वाज द फिल्म दैट यू वांट टू मेक नाउ, जब तक है जान. आफ्टर वीर ज़ारा कुछ और जिम्मेदारी मेरे पे आ गई, स्टूडियो बनाए जहाँ बैठे हुए हैं. 2004 में वीर ज़ारा रिलीज हुई थी, 2005 में ये स्टूडियो अक्टूबर में शुरू हो गया. स्टूडियो को सेट करना है, कुछ और पिक्चरें बनानी है, कंपनी सेटअप करनी है. एक आधी पिक्चर बना था रब ने बंदा जोड़ी, उसमें भी इतने थे. और सबसे बड़ी बात थी कि कुछ एक्साइट नहीं कर रहा था यार, क्या बनाऊँगा यार. आजकल बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं. यू लाइक द फिल्म्स दैट यू सी, दूसरे लोगों की जो सब फिल्में बन रही हैं आसपास, आप सब देखते हो, अच्छी लगती हैं? अच्छी फिल्म है, यंग मेकर्स आर मेकिंग डिफरेंट फिल्म्स, अच्छी फिल्में, नए सब्जेक्ट्स, बुरी भी बन रही होंगी, अच्छी तो बहुत बने. यंग फिल्मर्स आर राइटिंग द नेम्स ऑफ इंडियन फिल्म्स ऑन वर्ल्ड मैप. मैंने एक दिन वीजा के बाद लोग बोलते थे कि शायद यार कैसी पे कब बनाएंगे पिक्चर. मैंने एक दिन आदि को बोला यार मूड आ गया एक पिक्चर बनाने का यार, पर यार पिक्चर ऐसी हो जैसे सोल मेरी हो, मीन्स ओल्ड फैशन सोल मेरी हो, और जबान जवान हो, तुम्हारी जबान हो, जवानों की आवाज़ जबान हो, जो मैं बात कह सकूं उस आवाज़ में कह सकूं, लेकिन मैं अपनी सोल या अपनी ईमानदारी ना भूलूं. इट्स नॉट ए फिल्म कर्ट मे शाहरुख, दिस फिल्म इज नॉट ए फिल्म, दिस फिल्म इज ए गिफ्ट टू मी बाय आदित्य चोपड़ा. He is the producer of this film, he is the story writer, he is screenwriter, he is the dialogue writer. He came to me ki dad aap film bana rahe hain, I'm your assistant. Aap kisi se kuch koi baat nahi karenge, aapke jo aapki requirement hai, jo aapki wish hai, main puri karunga. Mere niche honge log, oh, they would be in contact with you. Aapko choti si cheez chahiye, badi cheez chahiye, hum dono discuss karenge, aap mujhe bolenge. And he has been a very good assistant to me. अगर आप पूछें भाई ये सोल ओल्ड और जबान नई यंग ये कैसे है? I have seen all around me. My technicians, फिल्म बनाते हो टेक्नीशियंस जो होते हैं ना, क्या अनिल मेहता, क्या शर्मिष्ठ रॉय, क्या वैभवी, क्या नम्रता, क्या दिलीप भाई साउंड रिकॉर्डिस्ट, और यंग They give me positive young feeling. Maybe young. Young brother. No, young brother. Maybe तो कह रहा हूँ. And they worked like a mission. We should do our best to make Jaji happy. And that's, they've been successful. But that's extremely magnanimous of you. There are very few directors in this country who would say that the gift that the technicians are giving to you by making this film for you, and they keep you young. There are wonderful technicians in their fields, the best possible in India. Absolutely. And all are wonderful human beings. All are good human beings. Yeah, you only work with good human beings. But there is one other little thing. छोटी सी तीन बातें पूछूंगा आखिर में मैं आपसे. एक उनमें से ये है कि किसी भी लड़की का कहते हैं करियर जो है, मतलब क्या कहते हैं वो, मुझे हिंदी का वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है, तृप्ति नहीं होती. तृप्ति. तृप्ति नहीं होती फिल्मों में आने के लिए, स्पेशली लड़कियों की, जब तक वो यश चोपड़ा की हीरोइन ना बने. ऐसा मुझे सब लड़कियां बोलती हैं जब भी मैं अकेले में उनके साथ बैठ के बात करती हूं. आप तो नहीं बोलती, मुझे नहीं क्यों बोलती. मैं अकेले में बैठ के कुछ और पूछना चाहता हूं लेकिन वो यही बोलती रहती है यश जी के साथ पिक्चर करा दो यार, तुम अपनी बाकी रोमांस छोड़ो. सो व्हाई इज इट, एंड इन ऑल सीरियसनेस, बिकॉज आई हैव सीन यू वर्क, आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ देम, ऑल द ग्रेटेस्ट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, वंडरफुल लेडीज, फ्रॉम माधुरी टू जूही टू काजोल एंड प्रीति एंड रानी एंड ऑफ कोर्स नाउ अनुष्का एंड कैटरीना. एंड मैं किसी को भूला तो नहीं ना, बाद में मारेगी नहीं. हाँ
All of them are sent. But having said that, what is it about your upbringing, your thoughts, your beliefs that the women in your film, see, kapde to sab pehnate hain acche filmon mein, makeup sab ladkiyan karti hain, shooting bhi badi tamjham se hoti hai, sab acha hi hota hai. But why is it the girls and the women in your film look so beautiful, so special, so warm, and so extremely woman-like, even if they play a negative role or a harder role or a tough role, and they're never disrespected? Why is it like that? Thing is this, I believe, after the nature of God has created certain natures, snowfall, rain, meadows, valleys, flowers. The most beautiful thing God has made is woman. After nature, the most beautiful thing that God has made is woman. I respect all women. There are so many forms of woman. She comes as a mother, she comes as your wife, she comes as a sister, she comes as your daughter, she comes as a friend. I don't see ever any badness in woman. Sometimes I feel, I read somewhere this ad caption, not a story. The film is shot entirely on location inside a woman's heart. Wow. They're very emotional. And I feel very bad sometimes. I see these TV series, all women are bad characters. And when I see that God has made such beautiful girls, I am presenting them on the screen. It's my duty to present them beautiful. As I work hard on the story, screenplay, dialogues, sets, production designing, I work on the same with hard labor, honestly, on costumes. I sometimes cancel 50, 50, 60 courtesan costumes if they don't come in my vision. And when finally they come, they should be beautiful because I feel everybody wants to see a beautiful girl, even you. मैं तो पैदा इसलिए हुआ इसी मैं भी हम दोनों काम ही इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं इस मामले में एक्शन मिलने मिले ख्यालात बहुत मिलते हैं हमारे but having said that would you the latest actresses in our film Katrina and Anushka if you'd say a few words about them how was it working with them मुझे तो बहुत अच्छा लगा Katrina is one of the most beautiful girls in the screen she's a very hard working girl I shouldn't see because my film I think today, this film, she's done great performance. It should look gorgeous. Anushka has turned into a very good actress. And you are the privilege, you are the lucky one to have both of them in my picture. Having the best of both the worlds. मैंने आपको बताया इसलिए तो कुछ पूछता नहीं आपसे मैं कुछ तुम कुछ पूछते नहीं हो तुम वो करते हो जो तुम्हारा दिल करे जो आप दिल में पीछे अच्छे करता अच्छा ही करता मेरा अच्छा आप बताएं पहली बार म्यूजिक में गुलजार साहब रहमान साहब इट्स अ कॉम्बिनेशन व्हिच आई एम श्योर लॉट ऑफ म्यूजिक लवर्स एंड इवन पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड म्यूजिक वेट फॉर इज द फर्स्ट टाइम मिस्टर यश चोपड़ा गुलजार साहब एंड रहमान टुगेदर मेरी तो चांदी चांदी लड़कियां भी हैं गुलजार साहब भी हैं रहमान साहब भी हैं यश चोपड़ा जी भी हैं तो मैं तो खुशी हूँ बट लॉट ऑफ पीपल आर यू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ इतनी फिल्में की हैं मगर पहली बार है ऐसा कि जो बड़े बड़े लोग भी मिलते हैं डायरेक्टर्स भी मिलते हैं आई मेट सम गाइस यार वो म्यूजिक कब आ रहा है यस जी गुलजार साहब और रहमान साहब सो इट्स अ हाउ वाज द एक्सपीरियंस बीन आई थिंक पीपल राइट फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद रहमान एंड गुलजार द जीनियसेस द मैजिशियंस अकॉर्डिंग टू मी इन द फील्ड्स आई लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम रहमान Because after working 60 years in this industry, a certain pattern of film music, how a music is made, and Rehman changed the whole grammar, whole system. But with this change and all that, he came up with fantastic music. And Gulzar Saab is working with him, with his poetry. He gave words to my visions, my concept. And they're beautiful. I'm very, very happy. And I say, I'm very lucky to have both of them. Which is your favorite song in the film? One second, let me say it. No, you sing, yeah.
नहीं मैं तो यस जी मैं यही नहीं कह सकता, गाना गाना आता ना मुझे तो सुपरस्टार बन जाता. यू सेड व्हिच इज द फेवरेट सॉन्ग इन मीस फिल्म द फेवरेट सॉन्ग इज चल्ला की लबत फिरे. अच्छा फिर वर्ड्स बोलते हम गाने की कोशिश नहीं करते, थोड़ा डिफिकल्ट है वो. मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ. ओके क्या है चल्ला? चल्ला चल्ला मींस मैड लवर. ओके हाँ फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट चल्ला मींस टू एवरीवन. चल्ला मींस मैड लवर. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? देयर इज लव, देयर इज पैशन, देयर इज सर्च एंड यू आर द कैरेक्टर. दिस सॉन्ग इज ऑन यू. This song can apply to me also. Actually, I was going to say that, but मैं उम्र का तकाजा कर रहा हूँ. मत करो ना भाई. मुझे ऐसा लगता है आप थोड़े से. You must, I don't know your age. What is the real age? My also 36, 37. Same age, sir. 36, 37. हमारा क्या? जो लोग बोलते हैं झूठ बोलते हैं. तो हाँ हमारा. अभी fact तो ये है ना. तो चलना is चलना की लगता है पहले. What are you looking for? Whom you looking for? Where is that person staying? This is your song in the whole film. This song is in Punjabi language. Harin Gulzar has written a beautiful song. And Rabi has sung it. Rabi Sher. First time, yeah. Okay. For us. One, two, three. Chala hasda phire, chala ronda phire, chala gali gali rulda phire. Kuch is tarah nahi karte. Pareshani ho jayegi. Uski agli line bahut achhi hai. Chala tu sabda, chala tera koi nahi. You belong to everybody, but nobody is yours. This is a beautiful line. This song is the song of the film. The song of Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is Samar in my film, his character. In the whole film, he's in search of love. When you sing, it turns out a romantic song. Yeah. When you sing, it's a melancholy song. It's a passionate song. It's a painful song. But this is very representative song of the film. It represents Yash Ji in more ways than one, because Yash Ji se agar poetry ya lyrics ki kabhi baat ki jaye to wo aise politically incorrect line use kar raha hu, turn on se ho jate hain ekdam. He gets how do you say, yaar I don't know the English word for this, junoon sa jata hai unko, whatever. But genuinely, if you talk about poetry with Yash Ji, to itni achhi hai, itni khoobsurat poetry ne malum hai. हमने पुराने ज़माने में पोइट्री का इन्फ्लुएंस तो देखा, बट ही यूज़ टू राइट पोएम्स हिमसेल्फ. अपनी पोइट्री हर फिल्म में आपकी होती है, इसमें भी है. तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ. सो एवरी टाइम यस जी हैज़ गॉट सम काइंड ऑफ, समटाइम्स दिस फिल्म इज़ लाइक अ पोएम, समटाइम्स जस्ट अ फैंटास्टिक पोएम इज़ इन द फिल्म, कभी कभी. सो ये पोइट्री का जो या पोएम्स का जो आपको सिलसिला है दिल में है, कैसे है? आप लिखते भी थे थोड़ा मैगजीन्स के लिए, आपने मुझे बताया. फ्रॉम कॉलेज डेज आई वाज अ ग्रेट फैन ऑफ साहिर लुधियानवी पोएट. फर्स्ट टाइम आई यूज्ड टू कीप हिज पोएम विद मी ऑन तलखियां. दैट टाइम ही रिटन ओनली तलखियां, नॉट परछाइयां. दैट लेटर ऑन केम देयर. फर्स्ट टाइम ऑन माय वेकेशंस इन माय कॉलेज आई केम टू बॉम्बे. आई हैड ओनली वन डिजायर टू मीट साहिर लुधियानवी. आई रिमेंबर आई मेट हिम इन सेवन मंगलोज. दिस इज बिफोर यू जॉइन फिल्म्स. Before joined films, before I came to film, before in college education, you come summer vacations to meet your brother, spent some holidays in Bombay like that. And I don't know what rapport was there. First meeting till Bridhi's last, we were friends. And again, thing I say sometime, when he used to write songs for my film, he wouldn't take money. He said, I'll take money, but let the film become hit. Because I know if I've done something for a friend, it's wonderful. He's and whatever he wrote, the film was successful. So that poetic fervor, what you call, was made me very fond of poetry. आप खुद लिखते थे कुछ? नहीं, I was small little editor for college magazine, but. I never wrote a poetry for others, for anything, for great, but in those days, college, Besuri Bematlab, kuch likha na chahiye. Main suna dijiye na, Besuri Bematlab. Ab itne saal, 60-70 saal pehle, maine kya likha tha, mujhe kya pata yaar. Kuch to bata do ye ji. Aisa kya? 60-70 kya bata? Hum to 36 ke hain, abhi decide hua. Nahi, umar hai, to wo time ke wajah se. I wrote a first few lines, remember, I don't know full. Jab main bhola bhala tha,
कुछ न हो संभारा था, चुपके चुपके आ तूने मदर सोई लगा तूने, क्यों मुझे अपनाना था जब आखिरी ठुकराना था। फैंटास्टिक। ओके जी, आपकी बहुत बातचीत हो गई, मेरी अब काम की बात पे आते हैं, जो मेन है जिसलिए मैं यहाँ पर आया था कि अभी आपने ये जो फिल्में बनाने का वक्फा थोड़ा लंबा कर दिया, 7 साल 6 साल 8 साल, सो ये वाली तो हो गई जब तक है जान, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जान भी लिया एंड इंशाल्लाह थोड़े दिन के अंदर म्यूज़िक भी आ जाएगा, छल्ला आएगा, सबको अच्छा लगेगा। आई थिंक द फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, अपने मुँह बोल रहे हैं लेकिन इट्स नाइस बिकॉज आई जस्ट से ओनली दिस मच दैट आई ऑलवेज टेल यस जी दैट आई ओनली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम, नॉट बिकॉज ही इज़ अ फादर फिगर, नॉट बिकॉज ही इज़ ओनली हिज एक्सपीरियंस, आई इन्जॉय वर्किंग विद हिम बिकॉज मुझे इतनी खुशी, इतना दरिया दिली, इतने प्यार से, कभी भी मैंने कुछ 70-80 फिल्में बना ली हैं लेकिन इतना प्यार, इतनी खुशी में हर किसी को रोक रोक कर बोलता हूँ कि इफ़ यू एवर हैव टू डू वन फिल्म इन योर लाइफ, द फिल्म दैट यू शुड डू इज द वन दैट मिस्टर यश चोपड़ा डायरेक्ट्स। आई हैव डन 6 or 7 ऑफ देम, सो आई एम एक्सट्रीमली लकी एंड फॉर्चुनेट एंड आई रियली इन्जॉय इट एज एन आर्टिस्ट, वट एवर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी आई हैव, द नाइसेस्ट टाइम आई हैव एवर हैड इज विद मिस्टर यश चोपड़ा, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, आई इन्जॉय इट, ही थिंक्स आई रिस्पेक्ट हिम, इट्स मोर देन दैट, इट्स जस्ट complete unbridled love for the art that he allows me to experience when I'm working with him. And so I'd like to ask you, when is the next film? And mujhe aap kab phone karke bata dein ki main aaun aur shooting karun, aur dates aapke paas hai, heroine aap bata dena, kahani aadhi se sun lunga. So when is the next one? Because this has been a great experience and I'd like to do it again. यहाँ कमिट कर लोगे तो फिर मैं पीछे नहीं जा सकते। पूरी प्रेस बैठी। शाहरुख, मुझे लगता बहुत हो गया यार। शाहरुख, मैंने आज तक लाइफ कैलकुलेटर के सामने बताई, कैलकुलेशन नहीं की लाइफ में, जैसे हवा के झोंके से, दरिया के पानी से बेहतर है जहाँ ऊपर वाला लेके चला गया। मैंने लाइफ बताई है दिल में रखा, कहता है जब मेरे दिल कुछ करे फिर मैं लोगों की परवाह नहीं करता हूँ। मेरा दिल कहता है बहुत हो गया, अब मैं जब तक जान के बाद तो फिल्म डायरेक्ट नहीं करूँगा। Why do you say that? You know, everyone says that. I think when you finish a film, maybe अभी यश जी नहीं बनाएंगे, but you never said that, so you don't say that. I think इस 50-60 साल जो भी बोलो, मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों से, टेक्नीशियन से, आर्टिस्टों से, फैंस से, लोगों से। I think I've now this time has come back to pay back that love. I got studio, we're making 4-5 films, we are doing so many things. I wonder if some lot of people are responsible for what I want to do, what my visions are, what my dreams were. I like to help those youngsters who want to come become actors, who want to become directors, who want to join as technicians, whatever help I could do. I want to do a lot of things which I have not done. I want to do some, industry has given me so much. Today I got sitting with you, it's because of all the industry. Well, you did a lot of things for industry. I've been hearing a lot of complaints from my wife. I like to make her happy. I like to enjoy life, you can say. This is young age. At young age, if I enjoy it, it'll be better. But I think, jab tak jaan ke baad, I'm so happy with the film. So much satisfied with the film. Jaise log bolte na ki kuch khane kha raha ho, ko jo ek dish aapko sabse tasty lage, wo aap end mein khate. Ye films mein itna khush hoon, itna satisfied hoon. I want to have that taste in my mouth all the time. कि ये फिल्म है जो मैंने सोची थी, जो मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, उससे बेटर बनी है, उससे एक सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। मे बी टेक्नीशियंस, स्टार्स, वी डी कंटिन्यू शूटिंग, वी शॉट 2.5 मंथ्स इन लंडन, 3 वीक्स इन कश्मीर, लद्दाख एंड फ्यू डेज इन बॉम्बे, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फिल्म। I'm very satisfied with this film. अब और कुछ करने की जी नहीं करता, और फिल्म डायरेक्ट करने की जी नहीं करता। I feel sad. And I say this not as a co-actor or as someone who's
worked with you and loves to work with you. I know. All great things, and great people have to decide when they want to finish what they started. Actually, it never finishes. When they want to just do other things. But because aap khushi se kar rahe hain, to main mujhe pehle malum hota to aur takleef deta tha film mein kitni khushi na milti hai aapko is film ki making mein. Ek chance aur de do. But that's, you know, for years I've worked with Yash Ji, and you know, every time he makes a film, then aisa log kehne lagte hain ki abhi ye Yash Ji abhi nahi banayenge ya banayenge karenge dekhenge. Aur wo isliye bhi kehte hain kyunki Yash Ji jo hain khud waqt lete hain. जब उनके दिल में आता है बनाते, नहीं आता तो शायद नहीं बनाते. एंड दिस इज समथिंग दैट डज नॉट कम एज अ सरप्राइज, बट इट कम्स एज अ मोमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ हैप्पी सैडनेस. दैट आप खुश हैं कि आपने, मैं बहुत खुश हूं, खुश फिल्म है, और मैं हम बहुत खुश हैं कि हम उस फिल्म में हैं जिसने आपको इतनी खुशी दी. ऑल ऑफ अस, आदि, कटरीना, अनिल साहब, अनुष्का, ऑल ऑफ अस, दैट यू फेल्ट लाइक दिस. एंड ऑब्वियसली वन कांट चेंज द माइंड दैट यू हैव. But I think it's, you know, all of you who have been here for years watching films, all of us who will continue to watch the films that Yash Ji makes, I think it's one of the greatest moments that he's worked for 60 years, 53 years of directing films. Like I said, I think nobody else in this world has directed films for so long at a stretch. And today, this evening, himself, he feels that he does not want to do films anymore, direct films anymore. Like he said, he's going to do a lot of work in films. He's going to tell youngsters all the experience. Tonight was about that we are able to talk to him and learn from his experiences. I'm sure he's going to share this in different fields. But I think it's a moment of history, at least for me. Kyunki maine pehli film jo dekhi thi Vivek Cinema mein, uski wajah se mujhe hero banne ka choice mila. Somehow lives are entwined, and I feel that Allah Mia jo hai kisi tarah se har kisi ki zindagi kahin na kahin baandh dete hain, to meri bhi Yash Ji ke saath dum ki tarah bandhi hui thi. And I feel very touched, very happy at your decision. We can't question it. You are like our father, you are like our grandfather, you are like absolutely happy and satisfied with the film. Absolutely. And so a very happy birthday to you, Yash Ji. I will not be able to ask you any more questions after this because it won't be right and appropriate, and I will start crying. So what we'll do instead is, agar aap aakhir mein सारी ऑडियंस को जो इतनी पेशेंस है एंड विद सच काइंडनेस एंड गुडनेस एंड वार्म्थ एवरीबॉडी हैज सैट हियर, फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीपल फ्रॉम द प्रेस, वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई नो यू हैव रिटन अ पार्ट ऑफ, आई सी अ फ्यू लाइंस. जी, मेरी टेढ़ी मेढ़ी कहानियाँ, मेरी टेढ़ी मेढ़ी कहानियाँ, मेरे हंसते रोते ख्वाब, कुछ सुरीले बिसरे गीत मेरे, कुछ अच्छे बुरे किरदार, वो सब मेरे हैं, उन सब में मैं हूँ. बस भूल न जाना, रखना याद मुझे, सब जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ. Ladies and gentlemen, like I said, a privilege, an honor, and thank you so much, Yash Ji, for being so kind to us. Bless you.